कॉर्नरिंग देखो भाई, कॉर्नरिंग भाई देख रहे हो गाड़ी कैसे हीट कर रही है भाई, हीट। तो दोनों एक ही मशीनें हैं, दोनों में एक ही पावर है, दोनों में एक ही इंजन है। तो अभी देखते हैं 3 हॉर्न पे कौन सी बाइक जीतती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया आपको लाइगर के साथ रेस, और इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं इसकी ड्रैग रेस MT15 के साथ भाई। तो अपने भाई हैं साथ में, तो आप देखते हैं MT15 जीतती है या फिर R15, और देखते हैं कि इसमें कितना पावर है। इसमें लगाया है अपना SC का एग्जॉस्ट सिस्टम, और इसमें मेरा कंपनी फिटेड सिस्टम है। तो अभी चलो रेस को चालू करते हैं, और आज का मौसम भी बड़ा सुहाना है, तो चलो भाई चलते हैं सीधा। तो भाई चलें, ओके भाई, जब आप बता देना तभी इसे चालू कर देंगे। यार ये नहीं जीत पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है। कहता घुमादार पैचअप है भाई। ओ भाई कॉर्नरिंग देखो भाई, कॉर्नरिंग मजा आ जाए भाई, कॉर्नरिंग है भाई। देखो भाई देखो 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 देखो, ओ भाई गजब यार गजब। हाँ लीन मजा आ गया भाई। भाई देख रहे हो गाड़ी कैसे हीट कर रही है भाई, हीट। तो दोनों एक ही मशीनें हैं, दोनों में एक ही पावर है, दोनों में एक ही इंजन है। तो अभी देखते हैं 3 हॉर्न पे कौन सी बाइक जीतती है रेस, और हम लोग आज करने वाले हैं ड्रैग रेस। तो भाई 3 हॉर्न कौन देगा, हॉर्न 3 हॉर्न हम देंगे, आप हम देंगे, तुम हम दे देंगे। आ गया है। तो गाइस यार चैनल को जल्दी जल्दी जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अचानक से निकल गई MT15, क्यों नहीं जा रही है इससे आगे। मैंने थोड़ा सा रोका है, इसी मारे देख रहा है MT15 निकल गई है। ओ भाई पहले राउंड में देखो भाई जीत गया, विनर हो गया भाई पहले राउंड का। तो भाई देख सकते हो पहले राउंड में MT15 जीत गई, मैंने थोड़ा सा रोका, इसी में MT15 जीत गई। थोड़ा रोका तभी तुम निकल गए, हमने थोड़ा सा हल्की स्लो करी तभी निकल गए तुम आगे। तो आई थी ये है जगह इस साइड निकलने के लिए, और हम लोग इस साइड निकल आए हैं। चलो एक और हो जाए हैं। चलो भाई सेकंड राउंड देखते हैं। फिफ्थ हाँ। पांच है तुम्हारे में ना, ये भी 155 है, सेम इंजन है। हाँ सेम इंजन है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वो नेगेटिव स्पोर्ट है। चलो भाई करते हैं दूसरा राउंड तगड़ा भाई, जाके सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को जल्दी से। तो 3 हॉर्न पे निकलते हैं। निकल गए XC का, उसको फायदा मिल रहा है XC प्रोजेक्ट का, और ये तीन जगह लगा वो निकल गई आगे, क्योंकि वो हल्की भी है थोड़ा सा। लेकिन कोई नहीं अरवन, तुम्हें जीतना है अरवन, अरवन तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, आगे निकलना है।
जान निकली 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 आर्वन मेरी जान, ये निकल गई भाई, निकल गई निकल गई आर्वन मेरी जान निकल गई। भाई इतना कड़ी है आर्वन निकल गई, आय बहुत आगे निकल गई आर्वन, बहुत ज्यादा आगे, अब भाई पकड़ भी नहीं पाएगा। चलो इसकी टॉप स्पीड कर लेते हैं, देखते हैं कितनी है इसकी टॉप स्पीड। अब मैं बोले एक्सीलेटर दिखाऊंगी 142, और कहां तक जाएगी इसकी टॉप स्पीड में देखते हैं। 141 142, आगे जाके टर्न भी आ गया भाई, 142 से आगे बढ़ जाओ मेरे ख्याल से यार, अब आगे नहीं जाएगी तो कोई फायदा नहीं है भाई। इसका टॉप है वो गया 142। चलो भाई लगाते हैं साइड में, मुझे पता है पहली रेस भी यही जीत गई थी, वो तो हमने थोड़ा सा स्लो कर लिया था क्योंकि भाई आर्वन आर्वन है यार, मजाक तोड़े गए, तो यहाँ साइड में लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। मजा आ जाता है गाइस, मजा आ गया यार, दूसरे राउंड में भी मजा भाई मजा आ गया, दोनों तगड़ी भाई। शुरू में ये आगे निकल गई, लेकिन टॉप एंड भाई ये निकल गई आगे, टॉप एंड में भाई इसका टक्कर नहीं ले सकती। लेकिन अभी फुल में आपने देखा होगा कि 142 गई है, पता नहीं क्यों गई है कि क्या सर्विस का इसका सीन है, काफ़ी दिनों से चलाई भी नहीं है, रखी रही है। तो चलो बाकी के अब इसका डेली ट्रायल करेंगे हम, और मैं इसको 145 तक लेके जाना चाहता हूँ, मेरा ये ड्रीम है, और जाएगी भी यार किसी दिन शायद, इस टाइम विंड ब्लास्ट थोड़ा ज़्यादा हो इस कारण नहीं जा पाई, लेकिन 142 भी काफ़ी होती है। इसमें इसका एक्सी प्रोजेक्ट का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, इसमें इसका वो फ़ायदा मिल जाता है, चूँकि इंजन और ज़्यादा पावर रिड्यूस करता है, हाँ एवरेज थोड़ा कम कर देता है, इसी मारे ये शुरू में आगे निकल रही है। तो गाइस देख रहे हो आपको कैसा लगा ये रेस, लाइक करें कमेंट करें शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी हम लोग निकलते हैं सीधा घर की ओर, कैसी लगी आपकी वो ड्रैग रेस कमेंट करके जरूर बताना, और ब्लैक राइडर का देख रहे हो कलर भाई क्या ही मॉडिफाई कराई है भाई, एकदम मस्त सी, और अपना तो भाई कोई भी मॉडिफाई नहीं है, जैसा कंपनी से आया था वैसा ही है। तो भाई जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और जिस जिस भाई को रेस करना हो तो वो भी अपना कमेंट कर दे भाई। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।